विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में गुरुवार को चैत्र रामनवमी के पूर्व भगवान श्री रामोत्सव शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा वैष्णवी लान में एक सभा हुई, जिसको पूर्व मेयर सत्या पांडे ने संबोधित किया। शोभा यात्रा वैष्णवी लान से शुरू होकर गणेश चौराहा, विजय चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने श्री रामोत्सव शोभा यात्रा को कचहरी चौराहे पर भव्य स्वागत किया। श्री रामोत्सव शोभा यात्रा का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद सहित मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज विश्व हिंदू परिषद ने पुनः शोभा यात्रा निकाला है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद और वही प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया, व्रत भी पूरे देश के लोग धूमधाम से मना रहे हैं। जैसे कार्तिक का भी पर्व है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं आप सभी माताएं बहनें जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र में जब नए पेड़ों में नई नई पत्तियां लगते हैं, एक सुगम एक सुदृढ़ वातावरण में नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। ऐसा भगवान राम का जन्म जो कि हुए तो इंसान के रूप में, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वो कर दिखाया कि कहीं भी कोई भी कठिनाई आई, लेकिन एक राजा का सिंहासन को छोड़ के एक आम जनमानस की तरह कंकड़ीली पथरीली राह में चलते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज वो हम भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इतनी दुनिया सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, कलयुग भी हुआ, लेकिन मर्यादा के साथ क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम दे सका है। केवल श्री राम जी के नाम के आगे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। ये उस माँ की गोद की देन है, कोख की तो देन है ही, क्योंकि माँ जब जनी थी तो हर माँ जब अपने बच्चे को जनती है, पेट में घर में आते ही अच्छी अच्छी बातों को सुनना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, हर माँ को कहा जाता है तुम अच्छे संस्कार में रहो, अच्छे सानिध्य में रहो कि आपका बालक ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा। लेकिन मैं लोग कहते हैं कि उनकी माँ कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, लेकिन मेरा मानना है अगर माँ बनना है तो कैकेयी की तरह बनो, कि वो जानते थे कि चारों बच्चों को कोई भी किसी माँ का गर्भ भले किसी का हो, गोद किसी माँ के लिए किसी चारों बच्चों के लिए अलग नहीं था। और कैकेयी राम कैकेयी के बहुत दुलारे थे। जब श्री राम जी को पाल पोस के वो बड़ा किया, एक ऐसा संयोग बना कि रावण की बहुत दुनिया में ये चर्चा थी कि इस राक्षस को किस तरह नेस्तनाबूत किया जा सकता है। ईश्वरीय कृपा थी कि उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास का एक ऐसा अवसर प्रदान हुआ। वो जानती थी जब दो उनको जो दो वर मांगना रहा अपने पति को, तो उन्होंने किसी लालच में किसी लोभ में नहीं, वो जानती थी कि त्याग सच्चाई के मार्ग पे कितनी भी कठिनाई हो मेरा पुत्र राम उसे जरूर पार करेगा, और मेरा भरत जो पुत्र है उसे कोई लोभ नहीं, उसे कुर्सी का लालच नहीं, लेकिन जो काम राम कर सकते थे वो भरत नहीं कर सकते थे। इसलिए वो कलंकी माता होते हुए भी उन्होंने ये वर लिया, और वास्तव में उन्होंने अपने पुत्र को इंसान से भगवान का दर्जा दिलाने में उनकी वो उंगलियों का उनकी कर्मठता उनके संस्कार की देन थी। ऐसे माँ को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और वास्तव में कहा जाता है कि सबके घर राम हो, रावण किसी के घर ना हो, लेकिन अगर अपने बच्चों को संस्कारवान हम बनाएंगे, ये शिक्षा जो राम चरित्र का हमेशा कथानक होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, राम के नाम को ही लोग कहते हैं कि अंत समय में अगर राम नाम ले लिया, राम नाम सुन लिया, तो कितना भी पापी होता है उसे स्वर्ग ही मिलता है। ऐसे राम नाम की इस जो यहाँ पे आज चलना है बजरंग दल की पूरी तैयारी के साथ, आज उस जन्मोत्सव में उस उत्साह के उसमें आप सभी के मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, आप सभी के सब परिवार स्वस्थ कुशल मंगल की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत।
भारत जय नारी शक्ति को प्रणाम करते हो और जोर से बोलिए भारत माता की। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज श्री रामोत्सव शोभा यात्रा का कचहरी चौक पर भव्य स्वागत किया है। ये धरती राम और ये धरती रहीम की रही है। ये धरती बाबा गुरु गोरखनाथ और रोशन अली शाह की धरती रही है। हम लोग लगातार हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द बनाने का कार्य कर रहे हैं और इस देश में यह संदेश भी देना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है और रहेगा। उसको लेकर आज हम लोग श्री रामोत्सव कार्यक्रम में शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर महानगर के तत्वाधान में प्रत्येक रामनवमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष ये शोभा यात्रा राम जन्मोत्सव की निकाली जाती है। आज विश्व हिंदू परिषद ने ये शोभा यात्रा पुनः निकाल करके रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को पूरे राम जनमानस में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है और साथ में संदेश का प्रयास देने का प्रयास किया है कि राम हिंदुओं के प्राण में बसे हुए हैं और उनको कोई अलग नहीं कर सकता।